उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम है दानसुल्लाह, मैं हूं तारिक महमूद, मैं हूं मोहम्मद यकूब। आज इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो टॉप 4 मशहूर वीडियोस बाय आगे जो भी है, बाहुबली, सिल्क, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, डोनाल्ड ट्रंप। तो वीडियो जो स्टार्ट करते हैं, मेरे करते हैं आपको पसंद आएगी, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं जी। ओहो, एंड वाला यानी कि सीन यानी कि यहाँ पे बनता जा। तो चलो खैर यानी कि स्टार्ट करते हैं, काउंट करते हैं जी, 1 2 3 ओके जी, वीडियो स्टार्ट। ये वीडियो मेरे सर के ऊपर है, पहला का मजा सा 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 गाना मगम सा और इंडिया यानी कि ये सिर्फ सिर्फ अपने आप को चिल रखने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो ये यूज करते हैं ना मोस्टली बंदे, अब वो थोड़ा सा अपसेट होते हैं, मतलब कि सुकून यानी कि चाहते हैं, थोड़ा सा यानी कि अपना माइंड फ्रेश करना चाहते हैं, उसके लिए मतलब कि उन्होंने कोई ना कोई चीज़ करनी होती है। अब वो जो खान सर करते हैं या बोलते हैं, उनको यानी कि क्या लेना था इमरान खान से इतना ज़्यादा, या कुछ नहीं, कुछ भी वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के रिलेटेड करते हैं, वो नॉर्मली अपने यानी कि भी बोल देते हैं
अब ये तेरे सामने है, मतलब कि मोदी को भी उन्होंने स्टार्ट शुरू किया है इनके अपना अच्छा सुर लगा रहे थे, जैसा सुर लगा रहे थे पीछे तबले बाज रहे थे सारा कुछ, तबले वाला भी हैरानगी से कमाल के अच्छे सिंगर। अब यानी कि देख तू यानी कि वो उनके खिलाफ देखा तुझे कितनी खुशी हो रही, तेरी यानी कि चिक्स जो है वो ब्लश कर रही है यार, मतलब कि तू यानी कि ना एक खुशी खुशी महसूस कर रही है। बिल्कुल अब उतरी है, लेकिन यार मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अब खुद ही अंदाजा लगा ले कि जो इंडियन है तो उनको भी खुशी इस तरह ही यानी कि मिलती है ना। चलो वो पहले मैंने बात की थी ना पहले वीडियो में भी, जो मीडिया वाले होते हैं ना वो कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। कितनी देखी है वीडियो पाकिस्तान में, ऐसी बहुत सारी वीडियो जो पंजाबी में इतनी ज्यादा डबिंग हुई है इमरान खान की। हाँ काफी नवाज शराफ की, नवाज आज आपको क्या हुआ है भाई, सीधा कोई भी लफा नहीं बोल रहा है। आप दौदरी कहीं दिल चाह रहा मोदी की तरह, उधर वो दा 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 की तरह दिन तक आ कभी वो हो गया। नवाज शरीफ की भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो फनी हैं बहुत ज्यादा, इमरान खान पे भी पाकिस्तानियों ने भी बनाई है। आप लोग यानी कि ऑनलाइन सर्च करोगे ना यूट्यूब पे तजाबी टोटे, तो आप लोगों को पंजाबी आती है तो आप सारी देखोगे पंजाबी में काफी बनी हुई है, काफी ज्यादा हंसोगे। ठीक है लेकिन ना वीडियो अच्छी थी यार। देखे इस दुनिया में कितने लोग परेशान और धरने के लिए नहीं बना, धरने के लिए इमरान खान का वैसे एक जो है वो बड़ा मशहूर है, सबसे पहले तो आपने घबराना है और दूसरा जो 2020 नौकरियों का साल है इंशाल्लाह है यार, नौकरियां काफी मिल रही हैं यार, आपको नहीं मिली तो फिर आपकी उम्र तो ज्यादा होगी यार। बिल्कुल सही है, हम लोग मानने के यकूब भाई आप गुस्से वाले हो, ये ना हमारे सर में नहीं भाई, अब नौकरियां मिल रही हैं। किधर मिल रही है, कहाँ पे नहीं मिल रहा मुझे बताओ, हर महकमे में मिल रही है भाई, में शायद भाई नौकरियां इतनी आती है की 100 सीट होती है और लेकिन यार वो पहले भी तो ऐसे होते हैं नौकरी, पहले भी एप्लीकेशन होते हैं और पता चलता है कि भाई पहले ही रख लिए होते हैं बंदे, अक्सर ऐसा हो जाता है। बस वो भी एक पुलिस ही होती है हुकूमत की, हर हुकूमत तो में होते हैं, हर मुल्क में होता है, एमएलए को कोटे मिलते हैं वो अपने आदमी पहले लगाते हैं सिफारिश वगैरह या अपने लड़कों को लगा देते हैं। अच्छा एक भाई एक सवाल यानी कि याद आ गया, वो कहते हैं कि इमरान खान की ड्रेसिंग जो होती है वो मलंगों वाली होती है। नहीं भाई वो मलंगों वाली नहीं है, हम लोगों ने वीडियो देखी थी वो यानी कि वैसे इंडियन कहते हैं, हमें तो पता है ना कि वो पिशौरी चप्पल जो होती है उसके अलावा और बैन वाला सूट पहनते हैं, वो बैन वाला सूट अपनी सकाफत को रिप्रेजेंट करता है, मगर वो मतलब फटे हुए क्यों, मतलब की क्या जरूरत क्या पड़ती, बाद में वो फटे हुए पहन के भी चले जाते हैं अपना यानी कि वो दिखाते हैं कि मतलब मैं आज ही नहीं, मुझे ये ना थोड़ा सा याद नहीं रहा, एक वीडियो है इसकी इमरान खान की, वो थोड़ा सोना वो नहीं मिला, जो अल्लाह से जन्नत नसीब करे वो आप दुनिया में नहीं है, वो एमएनए थे पीटीआई के, वो मतलब बहुत ज्यादा नजदीक थे इमरान खान के, तो उन्होंने इमरान खान को वो बताया था कि आपकी कमीज जो है ना वो फटी हुई है, तो वो ऐसे नहीं फटी हुई थी, वो जो इस्त्री करने वाला था ना उसने बताया था, वो उसके साथ लोग आगे इस्त्री का शायद होता ना आगे से ब्रीक सा होता ना वो लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने जल्दी में पहन लिया होगा या जैसे पता नहीं चला तो वो होता, लेकिन फिर बताने वालों ने पता नहीं क्या क्या कैसे तरीके से बता अपने अंदाज में ले लिया, जिस तरह जो जियाले थे इमरान खान, जिस तरह बिल्कुल बताने वाले ने अपनी मर्जी से बताया, उन्होंने कहा था कि कवर करने इमरान खान जो है वो बड़ा आजिज बंदा है, मतलब की ऐसे भी मैंने भी खुद देखी थी ऐसी वीडियो, वो बताने वाले ऐसे ही बताया था वही, मतलब दूसरे नंबर पे इंडिया ने मजाक कोई मलंग कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, लेकिन वैसे वो तस्बीह यानी कि कहते हैं हाथ में तस्बीह भाई वो अल्लाह के जिक्र करता है, इसके किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, वो इतराज तो बिल्कुल नहीं है, सही है इस्लाम में तो है यानी कि तुम्हें मतलब तस्बीह करनी है, एक बंदा किसी के साथ मतलब बाहर गया है अमेरिका या किसी और कंट्री में मीटिंग के लिए, और मीटिंग के लिए बहुत कम वक्त मिलता है, लेकिन वो बात भी कर रहा है, ये मेरे ख्याल में तो ज्यादातर ड्रामेबाजी लग रही है, अकेला जब नहीं तो आप ये अल्लाह से डर के बात करें, ये ड्रामेबाजी से आप नहीं कह सकते। अच्छा वो भी हो, एक बात हो सकती, वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह नहीं करता रहा हो, अल्लाह बात भी कर सकता है, वो बात कर लेता नहीं पड़ता, बात करके फिर बाद में पढ़ लेता, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए हमारे नजदीक। ठीक है यार ऐसा करो, अब तू यानी कि अपनी बात बता, के मुझे एक बंदे ने कहा है कि यकूब भाई को सिर्फ और सिर्फ 2-3 फिक्रे अगर छुड़वा दो ना
जो यकूब भाई बात नहीं कर सकेंगे। एक यानी कि पहला फिक्र इंशाल्लाह और दूसरा जो है मुझे मैं दूसरा अल्लाह के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मतलब कि तेरे यकीन के साथ वो बंदे यकीन कर जाए। ये यार इंशाल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के हुक्म से होगा। यार मैं कह रहा हूँ कि जो अल्लाह ने चाह वो होगा। वैसे ही अब सपोज कर हम लोग मुस्लिम है, हमें इंशाल्लाह का फर्क पड़ता है। अब सामने जो देख रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, उनको अगर तूने ये देखे बात करनी वो लॉजिक को समझेंगे तेरी, ठीक है? तो वो लॉजिक मतलब के देने के बजाय इंशाल्लाह मतलब के वो सारा कुछ उनको इस तरह यार इंशाल्लाह मतलब है। मैंने जो बोला ना इंशाल्लाह मतलब अगर अल्लाह ने चाहा तो यार अगर मैंने यही कहा था अगर अल्लाह ने चाहा तो इमरान खान ने जो वादे किए पूरा करेगा और इंशाल्लाह उसने कश्मीर पे जो बात की वो भी अल्लाह मदद करेगा और इंशाल्लाह आजाद हो जाएगा। ये मतलब है बोलने का। चलो मतलब कि आप वीडियो के रिलेटेड बताओ यानी कि क्या मतलब कि सबसे फनी पार्ट कौन सा लगा, मजा कहाँ पे आया जब तो मोदी ने तबला बजाया था? नहीं, नहीं, मुझे हकीकत में हकीकत बात करो, मुझे तो ट्रंप साहब जो गा रहे थे वो लगा बाहुबली जो गाना गा रहे थे ना, मुझे ट्रंप की जो बोल रहे थे बड़े रोमांटिक अंदाज में। नहीं मुझे वो मुझे इतना ज्यादा खास और दूसरा वो तबले वाला जहाँ वो बजाना छोड़ दिया ना मुझे वो यानी कि स्टार्ट देखने लगा। स्टार्ट वाला जहाँ पे यानी कि वो राग लगाते थे बाद में वो तबला हो जाते थे वो यानी कि कंट्रास्ट बड़ा प्यारा है। सही बात है, वो अच्छा था। तो यकूब भाई मोस्टली बंदे आपके ओपिनियन सुनना चाहते हैं, ऐसे करके आपको काफी ज्यादा सवाल जवाब किए ताकि आप लोग अपने बाकी भाई अगर बात करें कपड़ों के भाई कल्चर होता है अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। वो कहते हैं मोदी सर ने पहने हुए ना अभी वो कहते हैं कि मोदी यानी कि बड़ी प्यारी ड्रेसिंग करता है अपनी प्यारी बिल्कुल। वो जो पहनते हैं ना मैं कह रहा हूँ चाहे वो भारत का है ना प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो उसने वो पहना हुआ है ना उसे वो सूट करता है, ठीक है? हमें कोई इतराज नहीं। इतराज तुझे किस चीज का? वैसे बात कर रहा हूँ अच्छा। लेकिन हमारी तरफ जो हमारा प्राइम मिनिस्टर पहनता है ना यार उसकी मर्जी उस है, वो हमारे कल्चर में जो है मोदी जी जो थे मोदी जो जो है वो पजामा पहनते हैं। आप जी कह ले कुछ नहीं होगा, कह ले आप इज्जत करते हो बिल्कुल। मोदी जी कह सकते हैं कोई इतना बड़े इतने बड़े कंट्री के प्राइम मिनिस्टर तो इज्जत नहीं एक बड़ा भी है इसके लिए जी बिल्कुल मोदी जी। मैं हाँ तो कह रहे मैं तो बोल रहा हूँ वैसे भी बड़ों का अदब करना चाहिए यार, बड़ा है अदब करना चाहिए। हाँ तो वो पजामा पहनते हैं इमरान खान जो है वो सलवार पहनते हैं, फर्क इतना ही है। और वेस्ट कोट तो ऊपर दोनों ने डाला, दोनों ने डाला। वेस्ट कोट नहीं पहनता वो कोट पहनता है इमरान खान, कोट पहनता है वो थ्री पीस वाला कोट होता है। तो ये थोड़ा कोई बात नहीं हमारी मर्जी है भाई, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो जरूर पहने। ये वैसे चीजें यानी कि जो है ना हम लोग यानी कि बता रहे थे ये टॉपिक यानी कि जो था ये थोड़ा सा फनी था, पर हम लोग यानी कि कोशिश की आप लोगों को समझाने के कुछ सवालात के ऐसे जवाब बात के जो यानी कि एक पीटीआई का सपोर्टर दे सकता था जवाब उनके, तो अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूं। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ मतलब पंजाबी को बोल रहा है वो शर्मा रहा था मुझे पंजाब मैं पंजाबी नहीं अपनी मदर लैंग्वेज पे और इस तरह शर्माना नहीं चाहिए, शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। लैंग्वेज होती है जो अपना कल्चर होता है अपनी लैंग्वेज कास्ट को लेकर कभी खुद को नीचे मत समझना, मतलब दूसरों से गिरा हुआ है। अंग्रेजी को यानी कि टॉप लेवल पे लेके जो अंग्रेजी बोल सकता है वो यानी कि सुपीरियर हो गए, जो दूसरे वो इंफीरियर हो गए। ये चीजें यानी कि बिल्कुल नहीं होती। मदर लैंग्वेज जो यानी कि होती है वो बहुत ज्यादा यानी कि प्यारी होनी चाहिए आप लोगों जी, सालत ने भी है शुक्र अदा किया करें। तो ठीक है यार उम्मीद करते हैं वीडियो लोगों को पसंद आई होगी। कोई और सवाल जो यानी कि चाहते हो जिसका यानी कि जवाब आप लोगों को चाहिए वो भी जरूर दे दिया करेंगे इस तरह की फनी वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो लोगों को पसंद आई, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।